गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम ऑस्लो नॉर्वे. आई एम फाइनली बैक इन यूरोप आफ्टर सो लॉन्ग. मतलब एक डेढ़ महीना मैंने दुबई, इंडिया एंड सिंगापुर स्पेंड किया. एंड कल सुबह ही मैं फ्लाइट लेके अबूधाबी से पहले वॉर्सो आया था. एंड शाम की मेरी फ्लाइट थी यहाँ ऑस्लो नॉर्वे की. अगर मेरे पास कोई सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट चाहिए यूरोप में किसी कंट्री विजिट करने की तो वो है स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे. बिकॉज नॉर्वे इज रेटेड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड. मैंने यूरोप में इतनी सारी कंट्रीज विजिट करी हैं बट स्कैंडिनेविया में ये मेरा फर्स्ट टाइम है. तो अभी हम एक्सप्लोर करने निकले हैं यहाँ ऑस्लो रीजन को. जो ऑस्लो है ये नॉर्वे की कैपिटल है एंड इसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक. जो मेन नॉर्वे का जो नेचर है वो तो नॉर्थ में है बट इस बार हमारा मन था कि ये ऑस्लो रीजन एक्सप्लोर करें. एंड आई एम नॉट हियर अलोन, आई हैव ऋषभ विद मी. अरे यार ये तो ज़ाकोपाना से भी ठंडा है ज़्यादा. तो भाई लास्ट ज़ाकोपाने गए थे साथ एंड मैंने इसे बोला, मैंने अबू धाबी मैसेज कर दिया था कि भाई नॉर्वे चलना है. एंड ऋषभ इज नॉट दी ओनली वन हु इज गोना एक्सप्लोर नॉर्वे विद अस. हाँ भाई विष्णु आ जाओ भाई. मैंने आपको एक और अपने ब्लॉग में बताया था कि मेरा एक दोस्त जर्मनी रहता है. सो गाइस दिस इज विष्णु, ही इज आल्सो गोना एक्सप्लोर नॉर्वे. कितने टाइम बाद मिल रहे हैं भाई? 4 साल बाद. तो पोलैंड में सबसे पहली बार इसी के साथ आया था. हमने जो पूरी इंटर्नशिप करी थी जो मैं बोलता रहता हूँ साथ में करी थी. अराउंड 4 साल हो गए होंगे. 4 साल. एंड ही इज फाइनली स्टडिंग इन जर्मनी नाउ. तो आज से पूरा ही ऑस्लो रीजन एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं. पहली लोकेशन का नाम क्या जहाँ जा रहे हैं? तो एक वाटरफॉल है पास में 40-45 मिनट दूर यहाँ से. सबसे पहले वहाँ जा रहे हैं. ठंड ऑब्वियसली तो पूरा फ्रोजन है. बिल्कुल मतलब मजा तो आएगा. मजा तो आएगा ही यार. नॉर्वे में यही फायदा है कि आप मतलब आपको सीनिक बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी. एंड ठंड यहाँ पर इतनी ज्यादा है यार, स्पेशली मेरे लिए क्योंकि मैं भी अबू धाबी सिंगापुर में था जहाँ पर 30 डिग्री टेम्परेचर था और सीधा यहाँ आके माइनस दस था ना कल. हाँ यार इससे महंगी कंट्री मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी. कल हमने यहाँ पार्किंग खड़ी करी थी. भाई कितने का है पार्किंग? कितने की है? कितने लगे टोटल हमारे? कल 2500. 2500 और अभी 2500 और. तो मतलब 24 घंटे की पार्किंग के 5000 रुपये लग गए हैं. और ये बिल्कुल नॉर्मल है यहाँ नॉर्वे में. मतलब ये इलेक्ट्रिक गाड़ी को प्रमोट करते हैं. तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो आप स्ट्रीट पार्किंग कर सकते हो, वरना ये पार्किंग हाउसेज बने हुए हैं जहाँ आपको गाड़ी खड़ी करनी होती है. एंड 24 घंटे के 5000 रुपये की पार्किंग है. मतलब पूरे वर्ल्ड में मैंने इससे महंगी पार्किंग नहीं देखी. 7000 रुपये पर डे तो मैंने गाड़ी के रेंट के पे किए हैं एंड 5000 पर डे की पार्किंग. ये तो मतलब बिल्कुल यार एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना महंगा होगा नॉर्वे. हमेशा से सुना था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है बट ये नहीं पता था कि किस एक्सटेंट तक है. और यहाँ नॉर्वे में गाड़ी रेंट करने का बहुत ही फ़ायदा है क्योंकि सब बहुत दूर दूर है. तो हमने रेंट करी है ये 4x4 एस्कॉर्ट, अराउंड 7000 रुपये पर डे की पड़ी है हमें विदाउट इंश्योरेंस. बॉडी बना ली तूने तो. तो यार मेन वाटरफॉल जाने से पहले एक बार हम यहाँ रुके हैं. नॉर्वे में मतलब हर थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है कि भाई पूरे कहते हैं ना वॉलपेपर हो. Guys, before we move further into the video, I would like to tell you about today's sponsor, Epidemic Sound. Epidemic Sound सबसे best platforms में से एक है royalty free music के लिए. I think अभी तक आपको पता होगा अगर आप एक content creator बनना चाहते हो, if you want to use music on YouTube, Instagram, TikTok, तो आप कोई भी music ऐसे ही नहीं use कर सकते. You need royalty free music and Epidemic Sound has one of the biggest libraries in the world of royalty free music. And if you'll sign up using my link, you'll get 30-day trial absolutely free. So guys, अगर आप बहुत time से सोच रहे थे अपना YouTube करियर स्टार्ट करने के लिए, नाउ इज द टाइम. एपिडेमिक साउंड की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है बिल्कुल टॉप पे. गो साइन अप फॉर एपिडेमिक साउंड. सारा म्यूजिक मैंने एपिडेमिक साउंड से यूज किया है आज की वीडियो बनाने में. एपिडेमिक साउंड इज सीरियसली द बेस्ट इन द गेम. सो गाइस डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट एंड नाउ लेट्स मूव बैक इनटू द वीडियो. तो गाड़ी लगा दी है यहाँ रोड के साइड में. कोई पार्किंग वगैरह तो नहीं है. देख के आते हैं. यहाँ से तो कोई वाटरफॉल नहीं दिख रही बट गूगल पे मैप्स के अकॉर्डिंग यहीं पर है. ऊपर तक हाइक करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से. ये थोड़ी सी होगी हाइक मेरे हिसाब से. हाँ. थोड़ी सी हाइक करके जाना पड़ेगा. तो गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग तो यही होनी चाहिए थी. यहाँ तो कोई लग नहीं रहा वाटरफॉल है. देखते हैं. वाटरफॉल तो अभी भी नहीं मिली. ये किसी का घर है यहाँ पर एंड बिल्कुल सामने फ्रोजन लेक है बट वाटरफॉल पता नहीं यार क्यों मैप्स यहाँ दिखा रहा था. तो यार जहाँ पर हम खड़े थे वो तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी. उन्होंने बताया कि यहाँ से जंगल में जाके थोड़ी देर वॉक करके आए वाटरफॉल. पर भाई इतनी ज़्यादा फिसलन है मतलब 3-4 बार फिसलते फिसलते बचे हैं भाई. चढ़ना ही मुश्किल है यहाँ तो. ये देखो भाई यहाँ पर एक दो हफ्ते पहले बर्फ़ पड़ी होगी, वो पूरी जम चुकी है. क्योंकि अगर आप फ्रेश स्नो पे चलोगे तो इतनी ज़्यादा
फिसलन नहीं होती। इस रास्ते से जाना इम्पॉसिबल लग रहा है, मतलब इतनी फिसलन है और पूरा डाउन हिल है, बट वाटरफॉल या फिर मतलब किसी टाइप की रिवर की आवाज़ आ रही है वहाँ से। एंड हमें इन पेड़ को फॉलो करते हुए जाना है, पता नहीं कितने घंटे की ट्रैक है, ये भी कोई आइडिया नहीं है हमें। सबसे बड़ी गलती हमने ये करी कि हमारे किसी के पास भी हाइकिंग बूट्स नहीं है, उसकी वजह से और ज़्यादा फिसल रहे हैं। अब यहाँ जाना है भाई, ये इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे, मुझे लगता है रिट्रीट करो, आज नहीं देख सकते वाटरफॉल। इवन दो आधे से ज़्यादा रास्ता आ गए हैं, वहाँ पर कहीं वाटरफॉल है, बट सेफ नहीं लग रहा है यहाँ से नीचे जाना। एज यू कैन सी वापस जाने का जुगाड़ चल रहा है, ऐसी डंडियाँ लेनी पड़ेंगी। एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ नॉर्वे में पूरे वर्ल्ड का सबसे फ्रेश पानी है, तो ये जो आप पानी देख रहे हो सारा ग्लेशियर से आ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली वाटरफॉल लाइव तो नहीं दिखा, वापस आना पड़ा, इतनी ज़्यादा मुश्किल ट्रेल थी, बट ड्रोन उड़ा के देखते हैं, एक बार देख के जरूर जाएंगे भाई। या तो यार किस्मत तो इतनी ख़राब थी कि मतलब ड्रोन से भी वाटरफॉल नहीं दिखा, काफ़ी कोशिश करी। आई थिंक बहुत ज़्यादा पेड़ है यहाँ पर, तो मतलब स्पॉट नहीं हो पा रहा। तो हमने डिसाइड किया पहले कुछ खाने चलते हैं। यहाँ स्कैंडिनेविया में मतलब नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क एक बहुत ही फेमस बर्गर चेन है, मैक्स बर्गर्स। पोलैंड में भी है, आपको वहाँ के बर्गर्स दिखाता हूँ, बहुत ही टेस्टी बर्गर्स होते हैं। तो पहले कुछ खाते हैं, फिर हमें जाना है दूसरी लोकेशन पे, वर्देंस एंड, उसे एंड ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बट वो मैं आपको जाके दिखाऊंगा, पहले चलते हैं कुछ खाने। तो गाइज दिस इज़ मैक्स प्रीमियम बर्गर्स, आपको अभी अंदर जाके दिखाता हूँ, मेरी फेवरेट बर्गर प्लेस है ये पूरे यूरोप में। मैं आपको यहाँ का पूरा मेन्यू दिखा देता हूँ। सबसे अच्छी बात ये है यहाँ की कि इतने सारे जितने भी आप ये बीफ लिखा देख रहे हो, ये बीफ नहीं है, ये वीगन 100% वीगन बर्गर्स हैं, ये सोए के बने होते हैं। तो आपको मतलब 6-7 वेजिटेरियन ऑप्शन मिलेंगे। सबसे बेस्ट प्लेस है अगर आपको वीगन या फिर वेजिटेरियन बर्गर खाने हैं। यहाँ पे तो बर्गर देखने में इतना बढ़िया लग रहा है, तेरा कौन सा, क्रिस्पी नो चिकन। एंड मैं आपको नॉर्वे की एक और चीज़ बताता हूँ, पूरे वर्ल्ड में ऑस्लो में सबसे ज़्यादा टेस्ला है, मतलब जब से मैं आया हूँ मैंने 500-600 टेस्ला देख लिया है, मतलब मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा। यहाँ नॉर्वे में हर फ्यूल स्टेशन पर टेस्ला के सुपर चार्जर लगे हैं, सामने 4 टेस्ला खड़ी हैं, एक टेस्ला इधर खड़ी है। तो जिस जगह हम आए हैं इसका नाम है वर्देंस एंड, इंग्लिश में इसे द एंड ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। बिल्कुल मतलब सबसे सदर्न पॉइंट है पूरे नॉर्वे का, इसके बाद कुछ नहीं है, वहाँ से जाके पूरा सी वगैरह दिखता है। पार्किंग से यहाँ पे वॉक करके जाना है वर्ल्ड के एंड में, वर्ल्ड एंड। हाँ कल तो जहाँ हम गए थे वर्देंस एंड पे, वहाँ इतनी ज़्यादा विंड थी कि मतलब रिकॉर्डिंग बिल्कुल इम्पॉसिबल थी। एंड उसके बाद मैंने कोई ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं। एंड अभी हमने चेकआउट किया अपने ओस्लो वाले अपार्टमेंट से, एंड आज हमें जाना है सांदे फ्योर्द, एक और सिटी है यहाँ पास में ही ओस्लो के। बट उससे पहले आज थोड़ा बहुत ओस्लो एक्सपीरियंस करते हैं। ओस्लो हम बिल्कुल नहीं घूमे हैं क्योंकि कल भी पूरा निकल गए थे, पहले वहाँ वाटरफॉल ढूंढने गए, फिर वहाँ एंड ऑफ द वर्ल्ड की ड्राइव भी अराउंड 2.5 घंटे की थी। तो आज मैं आपको ओस्लो दिखाता हूँ, यहाँ के प्राइस वगैरह भी बताता हूँ, व्हाई इज़ इट द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ नॉर्वे की, यहाँ पर मतलब हज़ारों फ्योर्ड्स हैं, फ्योर्ड फ्रेश वाटर बॉडी होती है जो ग्लेशियर पिघल के लेक टाइप बन जाती है। एंड यहाँ पर वर्ल्ड का आपको सबसे क्लीनेस्ट ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। फिर हमारा प्लान बन रहा है ये नॉर्डिक सोनास जाने का, फिनलैंड और नॉर्वे में ये चीज़ बहुत पॉपुलर है, इससे टेम्परेचर अराउंड -1 है, आप पहले सोना में जाओ एंड फिर आप ये आइस कोल्ड वाटर में कूद सकते हो, मतलब हर बंदा कर रहा होता है भाई। आओ पता तो करते क्या सिस्टम है, चलो चल करना तो है ही, देखो करना तो एक्सपीरियंस तो लेना है भाई, देख कूदूंगा पक्का। तो हमारा प्लान ये बना है कि ये चीज़ ज़रूर ट्राई करनी है,
अभी एक बार कुछ खाते पीते हैं फिर क्रूज में चलते हैं। फिनलैंड एंड नॉर्वे में ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, पहले सोना में बैठना बॉडी को गर्म करके और फिर बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर में कूदना बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने लिया हमेशा की तरह अमेरिकानो ब्लैक कॉफ़ी और चॉकलेट ने तो मज़ा दिला दिया, ये शिप का मीठा चल रहा है। चलो भाई जल्दी करो फिर चलते हैं क्रूज पे। सामने क्रूज खड़ा है, ये वाला क्रूज लेके जाना है अभी। कॉफ़ी तो यार जेनुइनली टेस्टी है। यहाँ पर ये बीन्स भी फ्रेशली रोस्ट करते हैं। पहले हमें लेनी है दी आइलैंड फेरी B1, अभी आई नहीं है यहाँ पे क्रूज। अराउंड एक घंटे का पूरा क्रूज है, थोड़े बहुत आइलैंड दिखा के लाता है। एंड ये भी यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इंक्लूडेड है, अगर आप यहाँ का पास लोगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जिसमें बस ट्राम वगैरह इंक्लूड होती हैं, उसी में ये क्रूजेज भी इंक्लूडेड है। अभी जो मेन साइट सींग वाला टूर होता है वो नहीं चल रहा, वो अप्रैल से चलता है, विंटर्स में ये लोग बंद कर देते हैं, बट इससे भी आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो, तो इसी से एक्सप्लोर करके आते हैं। तो क्रूज तो बोर्ड कर लिया है, इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्रूज ही इतना बढ़िया लग रहा है, प्रॉपर सीटिंग है, मतलब जैसे नॉर्मल क्रूजेज होते हैं। एंड क्रूज पे टोटल 3 डेक हैं, 2 कवर्ड है, आप बाहर भी बैठ सकते हो। ये है नॉर्वे का फ्लैग एंड हमें जाना है उस वाले आइलैंड पे। टोटल 30 मिनट्स की क्रूज है वहाँ तक। तो बहुत सारी क्रूज चल रही हैं यहाँ पर अलग अलग आइलैंड पे, मतलब ये ओस्लो रीजन में ही 400-500 आइलैंड होंगे छोटे छोटे जो आप ये क्रूज लेके एक्सप्लोर कर सकते हो। ये पूरा आउटसाइड डेक है क्रूज का, अगर आपको बाहर बैठना है यहाँ पे पूरा अंदर जाके भी आप बैठ सकते हो। वो जो पूरा एरिया था जहाँ हम वॉक कर रहे थे वो है इनका वाटर फ्रंट बे फ्रंट। क्रूज लेके दूसरे आइलैंड आ तो गए बट अब ये नहीं पता जाना कहाँ पर है। मुझे लग रहा है कि रेजिडेंशियल आइलैंड है ये वाला, यहीं आसपास देखते हैं अगर कुछ हो तो। कुछ खास लग तो नहीं रहा, तो ये आइलैंड तो पता लगा कि रेजिडेंशियल है, कुछ खास देखने लायक नहीं है यहाँ पे। तो वापस क्रूज लेके ओस्लो ही जा रहे हैं, बस क्रूज का एक्सपीरियंस लेना था। अगर और कोई आइलैंड की क्रूज जा रही होगी साइट सींग वाली तो वो देखते हैं, वरना बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। क्रूज तो अभी 40 मिनट में आएगी, इतने हम यहाँ के एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट आए हैं, पूरे आइलैंड पे सिर्फ यही रेस्टोरेंट दिख रहा था। एंड सबसे पहले एक और कॉफ़ी ली है, बहुत बढ़िया कॉफ़ी है नॉर्वे की। टेबल के साथ व्यू देखो, पूरा सी व्यू है। एंड इस रेस्टोरेंट की ये बहुत खासियत है कि जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं सब कुछ बिल्कुल लोकली सोर्स हैं, इसी आइलैंड से आते हैं नॉर्वे में, तो कुछ भी इटली विटली से इंपोर्ट नहीं कर रहे, हर चीज़ बिल्कुल नॉर्वे की है। तो यहाँ के लोकली सोर्स इंग्रेडिएंट्स वाला पिज्ज़ा ट्राई करेंगे। पिज्ज़ा आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम सोच रहे हैं कि टेक अवे ले लें, क्योंकि हम ये वाली क्रूज भी मिस नहीं करना चाहते, 21 मिनट में क्रूज है। दिस इज द पिज्ज़ा, ये है मार्गरेटा और इनका ये भी कोई नॉर्वेजियन पिज्ज़ा है। और वो है क्रूज हमारी, वो दिख रही सामने से आते हैं। फूड एक्सपर्ट टेस्ट करके बता। मोज़रेला अलग है, जैसे नॉर्मल वाली च्यूवी बहुत होती है। हाँ, ये फ्रेश है ना एकदम। एंड पिज्ज़ा यहाँ का काफ़ी यूनिक था, मतलब इन्होंने टॉपिंग बिल्कुल ही अलग डाली हुई थी, पम्पकिन वगैरह जो मैंने कभी नहीं देखी, बट फिर भी काफ़ी अच्छा था। ना वापस जाके नॉर्डिक सोना में बैठते हैं, फिर इसी सी में कूदेंगे। एंड बिल्कुल अभी अभी सनसेट हो रहा है, मतलब इतना मजा आया कूद के, ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में कभी नहीं किया। ये सोना का एक्सपीरियंस तो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, मतलब इतनी यूनिक चीज है। एक बार तो भाई ऐसी तैसी हो गई थी बट फिर भी बिल्कुल मस्ट आया। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही गजब एक्सपीरियंस। तू तो भाई रुक नहीं रहा भाई, करना जरूर करना चाहिए, मतलब डेफिनेटली डेफिनेटली यार, कभी भी ओस्लो आओ तो यहाँ पे ज़रूर आना। ओस्लो फ्योर्ड स्पा बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस है, यहाँ पर पहले सोना में जाके फिर सी में कूदने का, हर बंदा मतलब लगा पड़ा है यार। तो जो आसपास यहाँ लोकल रहते हैं उन्होंने तो ईयरली पास लिया हुआ है, आराम से डेली आके कूदते हैं, बॉडी के लिए इतनी अच्छी चीज़ है। अब यहाँ ओस्लो से निकलना है हमें सांदे फ्योर्ड के लिए, अराउंड 1.5-2 घंटे की ड्राइव है यहाँ से, एंड वहाँ जाके डिनर वगैरह करेंगे। कल सुबह सुबह हमारी फ़्लाइट है, बहुत छोटी ट्रिप थी नॉर्वे की, सिर्फ 2 दिन की थी, बट मैंने सोचा आपको जितना हो सके दिखा दूँ ये ओस्लो रीजन, क्योंकि बाद में हमने प्लान किया है जो मेन नॉर्दर्न नॉर्वे है वो एक्सप्लोर करने का। नॉर्वे में आपको फ्यूल का प्राइस भी बता देता हूँ कितना है भाई, यहाँ पे है
अराउंड 160 है ना। हाँ। ये तो हमें सस्ता फ्यूल स्टेशन मिल गया, वैसे 180 था। तो गाड़ी फिल करा रहे हैं वहाँ जाने से पहले, यहाँ पर पहले पे करना है, फिर आप पेट्रोल भर सकते हो। बाकी यूरोपियन कंट्री में आप पहले भर के आपको अंदर पे करके आना होता है, यहाँ पे नॉर्वे में उल्टा है। तो बिल्कुल अभी अभी हम यहाँ पहुंचे हैं सैंडे फ्योर्ड, एंड एयरबीएनबी में चेक इन करने से पहले एक बार हम आए हैं कुछ खाने। तो दिस इज द प्लेस, यहाँ का देखते हैं इंडियन खाना कैसा है। नॉर्वे में ये बहुत अच्छी बात लगी कि जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट गए हैं हर जगह सबसे पहले पापड़ दे रहे हैं, मतलब। और बहुत कम यूरोपियन कंट्रीज में मैंने देखा है भाई। हरी चटनी देखो कितनी अलग लग रही है। सब्जी में हमने ऑर्डर किया था पनीर टिक्का मसाला और मलाई कोफ्ता। एंड नॉर्वे में एक और चीज़ है कि राइस यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं जितने भी हम इंडियन रेस्टोरेंट गए हैं हर जगह, और साथ में अपने वही गार्लिक नान। तो इवन तो बहुत ही छोटी ट्रिप थी नॉर्वे की, स्टिल बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई करी। अब हमारी सुबह यहीं से फ्लाइट है सैंडेफ्योर्ड टॉर्प एयरपोर्ट से। सो गाइज आई रियली होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अभी आगे और बहुत सारी सीरीज आएंगी हैं यूरोप में। स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल ऑफ दिस एंड आई विल सी यू गाइज द नेक्स्ट वन।